नमस्कार, मैं कनक, आप देख रहे हैं अर्थ प्रकाश। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबर। दुनिया में कोरोना का खतरा, चीन में रोजाना 10 लाख केस, सरकार 4000 बता रही। जापान में अब तक 41 बच्चों की जान गई। चीन में कोरोना से हालत बदतर होते जा रहे हैं। लंदन की ग्लोबल हेल्थ इंटेलिजेंस कंपनी एयरफिनिटी का दावा है कि चीन में रोजाना 10 लाख कोरोना मरीज सामने आ रहे हैं, साथ ही 24 घंटे में 5000 मौतें हो रही हैं। ऐसा ही चलता रहा तो जनवरी में डेली केसेस बढ़कर 37 लाख पर पहुंच जाएंगे। वहीं मार्च में यह आंकड़ा 42 लाख हो जाएगा। हालांकि चीन की ओर से आधिकारिक आंकड़ों में गुरुवार को महज 4000 नए मामले बताए गए। इसके पहले एयरफिनिटी ने अपने अनुमान में बताया था कि चीन में जीरो कोविड पॉलिसी खत्म होने के बाद 21 लाख मौतें हो सकती हैं। उधर दुनिया में भी केस बढ़ रहे हैं। यूएस में संक्रमितों का आंकड़ा 10 करोड़ के पार पहुंच गया है। जापान में 8 महीने में 41 बच्चों की जान जा चुकी है। हैचिन के अस्पताल में बेड कम पड़ रहे हैं, सामूहिक अंतिम संस्कार किए जा रहे हैं। इस बीच सरकार ने एक बार फिर बॉर्डर सील करना शुरू कर दिया है। यूनान प्रांत में म्यांमार से सटे रुइल शहर में सीमा पार करने वालों पर नजर रखने के लिए कैमरे और अलार्म लगा दिए गए हैं। इतना ही नहीं, मोशन सेंसर और इलेक्ट्रिफाइड फेंसिंग भी लगाई गई है। 2021 में भी सीमाएं सील कर दी गई थी। दूसरे देशों से गैरकानूनी तरीके से आने वाले लोगों को रोकने के लिए सीमा पर पेट्रोलिंग बढ़ा दी थी। रूस से सटे शहर हिए में कोविड के जिम्मेदार लोगों की सूचना देने पर 15 लाख का इनाम तक रखा गया था। ताज़ा अपडेट्स व बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें अर्थ प्रकाश टीवी और बेल आइकन दबाना न भूलें।